नमस्कार, आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करते हैं आज के अहम खबरों के साथ। मुजफ्फरनगर में पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने मुजफ्फरनगर का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की है। मुजफ्फरनगर में पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने मुजफ्फरनगर का दौरा किया है, जहां मंत्री ने कार्यकर्ताओं से वार्ता भी की। वहीं आगामी प्रधानी चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई है। पंचायत राज मंत्री ने राम मंदिर के फैसले पर बोलते हुए कहा कि सबकी इच्छा है कि अयोध्या में राम मंदिर बने, लेकिन जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। वहीं प्रदूषण फैला रही फैक्ट्रियों पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई है। भूपेंद्र चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मुजफ्फरनगर में एक पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना है और विभागीय मीटिंग करके जो भी विभागीय कार्य हैं उनकी समस्या हल करके मुझे करनी है और ये एक रूटीन दौरा है। अब पूरे देश की इच्छा है कि राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट का जो आदेश होगा उसी के आधार पर हमें उम्मीद है। संभावना है कि मंदिर ही बनेगा। मामला प्रकरण अदालत में विचाराधीन है। कोर्ट का निर्णय आने दीजिए। कोर्ट के निर्णय जो भी होंगे वो सब लोग उसका पालन करेंगे। वहीं प्रदेश सरकार ने भी प्रदूषण की रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाए हैं, लेकिन कुछ समस्याएं हैं और धीरे धीरे सरकार की प्राथमिकताओं में ये विषय है और हम इस पर कारगर योजनाएं बनाकर आगे काम कर रहे हैं। जहाँ तक इन सब विषयों के बारे में आपने कहा है, मैं निश्चित रूप से इसका प्रशिक्षण करा के आगे की कार्रवाई कराऊंगा। नहीं, मुजफ्फरनगर में एक पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना है और फिर विभागीय मीटिंग करके जो विभागीय कार्य हैं उनकी समीक्षा मुझे करनी है और ये एक रूटीन दौरा है, उसमें मैं आया। वहीं अयोध्या में 1990 में कार सेवा के दौरान गोलीकांड में शहीद हुए कार सेवकों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अयोध्या में 1990 कार सेवा के दौरान हुए गोलीकांड में शहीद कार सेवकों की याद में संत समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि सभा कर पुष्पमाला चढ़ाकर शहीदों को नमन किया। संत समाज के लोगों ने दिगंबर अखाड़ा में बने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण करके पुष्प अर्पित किए। 2 मिनट का मौन भी धारण करके कार सेवकों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं अयोध्या गोलीकांड में मारे गए कार सेवकों के परिवारों ने भी अपने परिजन सहित कार सेवकों को श्रद्धांजलि दी। उनकी तस्वीर के समक्ष दीप जलाया। शहीद कार सेवक रमेश चंद्र पांडे के निवास स्थान पर अयोध्या के महापौर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करके आए। अयोध्या मेयर ने कहा कि शहीद कार सेवकों के सच्ची श्रद्धांजलि का वक्त आ गया है। अयोध्या संत समाज के लोगों का भी ये कहना है कि कार सेवकों की सच्ची श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन जाएगा। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी रहे महंत रामचंद्र दास परमहंस के शिष्य सुरेश दास ने संतों के साथ कार सेवकों को दिगंबर अखाड़ा पर श्रद्धांजलि दी। वहीं संत समाज का कहना है कि जब तक अयोध्या रहेगा तब तक राम जन्मभूमि रहेगी, तब तक कार सेवकों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाती रहेगी। 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव सरकार में कार सेवा के लिए आए राम भक्त कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी। उन्हीं कार सेवकों की याद में हर साल 2 नवंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। सच्ची श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी जब राम जन्मभूमि मंदिर बन जाएगा और राम जन्मभूमि मंदिर बनने जा रहा है और उनको सच्ची श्रद्धांजलि माना जाएगा और हर साल जैसे सच्ची श्रद्धांजलि दी जाती है वैसे इस वर्ष भी उनको दिया जा रहा है और जब तक अयोध्या रहेगा राम जन्मभूमि रहेगा शहीदों को सदा श्रद्धांजलि देते रहेंगे। जिनके बलिदान से पूरा विश्व गूंज उठा था और जो उनकी इच्छा थी अब सच्ची श्रद्धांजलि का भी उनके समय आ गया है। हम सब पूरे अयोध्यावासी दिगंबर अखाड़ा के पूज्य महान श्री सुरेश दास जी, अनेक साधु संत, सब लोगों की इच्छा है और जो शहीद कार सेवकों को इच्छा थी वो जल्द ही पूर्ण होने वाली है, यही सच्ची श्रद्धांजलि। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या जनपद में यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया जिसकी कमान खुद SSP आशीष तिवारी ने संभाली। अयोध्या जनपद में यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के पहले दिन SSP आशीष तिवारी ने खुद कमान संभाली और लोगों को फूल देकर यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया और लोगों को बताया कि अब डायल 100 नहीं डायल 112 है। वहीं SSP आशीष तिवारी ने कहा कि यातायात के नियमों के उल्लंघन पर पहले समझाया जाएगा फिर चालान किया जाएगा। जनपद में पहले से ही नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान चल रहा है।
जिसका अच्छा परिणाम मिल रहा है। एसएसपी आशीष तिवारी ने दावा किया कि 5 महीनों में लगभग 50% पुलिस ने लोगों की जान बचाई है और शहर में जगह जगह हेलमेट की दुकानें खुल गई हैं। जनपद के लोगों के द्वारा सेल्फ कंप्लायंस किया गया और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन में भी सहयोग किया। ये यातायात माज होता है, वो चालान के लिए और एनफोर्समेंट वगैरह के लिए होता है, जागरूकता के लिए होता है। जैसा कि आपको पता है कि यातायात के 3 ही होते हैं, एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग और एजुकेशन। इन तीनों चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे, स्कूलों में जा जाके जो है जागरूक करेंगे, जो रोडें वगैरह है उसमें नियमता से मिलकर उसको ठीक करवाएंगे और एनफोर्समेंट भी करेंगे, मतलब चालान भी करेंगे यदि कोई समझाने के बावजूद भी जो है नियम को तोड़ता है। हालांकि पुलिस का मेन काम समझाना और वो है, उसके बाद में ही हम चालान करेंगे। उधर मुजफ्फरनगर में नई मंडी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के भोपा रोड पर एक पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। बाइक सवार 4 नकाबपोश बदमाश हाथों में हथियार लेकर पेट्रोल पंप के कार्यालय में घुसे, जहां पर 2 कर्मचारी बैठे हुए थे। बदमाशों ने हथियारों के बल पर आतंकित करते हुए मारपीट भी की और वहां रखी लगभग 5 से 10 हजार रुपए की नकदी लूट कर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। लूट की ये वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी कई घंटे बीतने के बाद उस समय हुई जब पेट्रोल पंप के मालिक ने थाने में तहरीर दी और तहरीर देने के बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू करते हुए लूट का मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया, जिसमें लूट की सारी वारदात कैद हो गई थी। जिसमें आप भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि पहले तो 2 नकाबपोश बदमाश हाथों में हथियार लेकर केबिन में घुस जाते हैं, जहां पर पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों को मारपीट कर हथियारों के बल पर आतंकित करते हुए वहां रखी नकदी लूट लेते हैं। तभी दोनों बदमाशों के 2 अन्य साथी केबिन में घुसते हैं, जिसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद 4 बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार भी हो जाते हैं। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है और साथ ही साथ सीसीटीवी में कैद इन 4 बदमाशों के फोटो सोशल मीडिया और अन्य तरीके से भी बदमाशों को चिन्हित करने में जुटी हुई है। थाना नई मंडी क्षेत्र में भोपा रोड पर एक पेट्रोल पंप है, जिसमें कल रात में 2 बाइक सवार 2 बाइकों पर सवार होकर बदमाशों द्वारा कैश की छिनैती की गई है, जिनका फुटेज है। पुलिस फुटेज खंगाल रही है, सर्विलांस टीम लगी हुई है, स्वाट टीम लगी हुई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, शीघ्र ही घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। अक्सर जमीनी विवाद आपसी विवादों का कारण बन जाता है, लेकिन रामपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको चौंका देगा। जी हाँ, एक बेटे ने अपने ही 70 साल के बुजुर्ग पिता और अपनी ही सगी बहन के साथ मारपीट की, वो भी सिर्फ जमीनी विवाद को लेकर। रामपुर में सगी औलाद ने जमीन के खातिर 70 साल के बुजुर्ग और बहन को मारपीट कर घर से निकाल दिया। साथ ही दोनों पीड़ित को अपने घर रखने पर दामाद पर भी कई फर्जी झूठे मुकदमे लिखाए। पीड़ित ने एसपी रामपुर को पत्र देकर अपने भाई और गांव के अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला अजीम नगर क्षेत्र के टोकपुर टांडा गांव का है, जहां पीड़ित बुजुर्ग ने खुद अपनी दास्तां बताई। साथ ही बुजुर्ग ने अपने बेटे वफा उर रहमान और अपने पोते इब्दुर रहमान और फजूल रहमान सहित गांव के प्रधान इरफान सहित सभी की साजिशों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मेरी छोटी बेटी की अभी शादी नहीं हुई है, जिसका हिस्सा मेरी वसीयत में है। मैंने अपने मकान के आधे हिस्से की वसीयत बेटी के नाम करा दी है। यही नहीं, दूसरी बेटियों का भी जमीन का हिस्सा दे दिया है, जिससे मेरे बेटे ने मुझे और मेरी कुंवारी बेटी को मार पीट करके घर से निकाल दिया। साथ ही मेरी बेटियों के साथ साथ दामाद कारी तलहा के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराकर उसे जेल भिजवा दिया था और अब मेरी बेटियों को भी भिजवाना चाहता है। वहीं अब मेरी लड़की ने एसपी रामपुर साहब को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। मैंने अपने घर का मुतालबा किया कि मेरा घर दिलाया जाए, मुझे घर से मार के निकाला हमें दोनों बाप बेटियों को। किसने निकाला? बफार रहमान ने, इबादुर रहमान ने, और उसमें खानदान के भी हैं, मौलवी अनबार, जिन सलीम, तस्लीम। क्यों निकाला इन्होंने मार के, वजह क्या है इसकी? वजह ये हमारे बिनोई के दुश्मन बने हैं। किस घर पे क्यों आते हैं? तुम्हारे नाम रजिस्ट्री कराई है जमीन की? जी। किसने? हमारे पापा ने। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।